अभी आपने एक चुंबक लेकर उससे चुंबकीय बल रेखाओं को खींचा। अब हम एक काम करते हैं, हम दो चुंबक लेते हैं और दो परिस्थितियों में चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे। एक बार इन दोनों चुंबक के समान ध्रुवों को आमने सामने रखकर और दूसरी बार इन दोनों चुंबक के असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार की प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम दो चुंबक लेते हैं और इन दोनों चुंबक के समान ध्रुव उत्तरी ध्रुवों को हम आमने सामने रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब इसके लिए वही प्रक्रिया करनी होगी। ये देखिए सफ़ेद कोरा कागज़ मेरे पास है, इसमें बीच में हमने एक लाइन खींची हुई है और ये चुंबकीय सुई को उसकी जो सुई है उसको लाइन के साथ सीध में लाना होगा। तो बिल्कुल पहले की तरह हम इसे चुंबकीय सुई को लाइन की सीध में ले आते हैं। ये देखिए लंबवत इसे देखना भी है और इस समय कोई भी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे और दूर कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, ये इसकी सीध में आ गया है। ठीक है, अब कागज़ हिलना नहीं चाहिए, तो हम एक सावधानी के तौर पर इस कागज़ की स्थिति को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। अगर कागज़ थोड़ा हिल जाए तो वापस उसे चेक कर लें कि कहीं तीर तो नहीं हिला है या सुई जो है चुंबकीय सुई जो है वो अपनी पोजीशन से नहीं हिली होनी चाहिए। ये देखिए ये फिर हमने ये कर लिया। ठीक है, अब इस चुंबकीय सुई को यहाँ से हटा देते हैं और ले आते हैं दोनों चुंबकों को। ये चुंबक, ये देखिए ये इसका उत्तरी ध्रुव एन से दिखा रहे हैं, इसे इस प्रकार यहाँ रख लीजिए, और ये दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव, ये देखिए एन। एक काम करते हैं, हम इन उत्तरी ध्रुवों को यहाँ पर एन से दिखा भी देते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया एन और ये भी हो गया एन, समान ध्रुव हो गए। और साथ ही साथ हम ये जो चुंबक है इनको इन कागज़ पर उकेर लेते हैं, इनकी स्थितियों को कागज़ पर उकेर लें। इसके लिए इस तरीके से ये आप कर लें, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी। ये देखिए ये हमने कर लिया। अब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं चुंबकीय सुई की सहायता से, बिल्कुल पहले जैसी प्रक्रिया। एक सिरे पर, इसके उत्तरी सिरे पर हम उत्तरी ध्रुव जो हमारे पास है वहाँ चुंबकीय सुई को ले जा रहे हैं। तीर का नोक इस तरफ है तो इसका जो पूंछ वाला हिस्सा है उसके सामने हम एक बिंदु लगा देते हैं। ये देखिए ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक निशान हो जाएगा पूंछ के पास में इसके। वापस तीर की नोक पे ये बिंदु सेट कर लें और इसके पीछे दूसरा निशान, यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इन्हीं बिंदुओं से हमें चुंबकीय बल रेखाएं मिलेंगी जैसे हमने पहले भी किया है। चलिए अब इन बिंदुओं को मिला लें तो हमें एक चुंबकीय बल रेखा मिल जाएगी। अगली चुंबकीय बल रेखा की तरफ बढ़ते हैं और फिर से ये देखिए तीर के निशान को उत्तरी ध्रुव की तरफ रखकर और ये उसके पीछे हमने निशान बना लिया। आगे प्रक्रिया को इसी तरह से बढ़ाएंगे और चुंबकीय बल रेखाएं खींचते चले जाएंगे। तो ये हमने चुंबकीय बल रेखाएं कुछ खींच ली हैं, आप भी ऐसे बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ खींच सकते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर इन चुंबकीय बल रेखाओं में मैंने बाहर की ओर तीर का निशान लगाया हुआ है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चुंबक में उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिलती हैं, परंतु यहाँ पर क्योंकि हमने दोनों तरफ समान ध्रुव उत्तरी ध्रुव लिया हुआ है तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ नहीं है, इसलिए ये बल रेखाएं जो है वो निकलती हुई यानी कि बाहर जाती हुई ही रहेंगी, इसलिए हमने यहाँ पर बाहर जाता हुआ तीर का निशान लगाया हुआ है। तो जब समान ध्रुव होते हैं तो इस प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं। चलिए अब हम
इन दोनों चुंबक को लेकर इनके असमान ध्रुवों को आमने सामने रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे और देखेंगे कि वे किस प्रकार की प्राप्त होती हैं।